हेलो स्टूडेंट आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ मैथ के चैप्टर नंबर सिक्स और सेवन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये वही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी ईयर में पूछे हुए हैं ठीक है तो इन सारे क्वेश्चन के रिपीट होने के बहुत सारे चांसेस हैं तो हम क्या करेंगे इन सारे ही क्वेश्चन को चैप्टर नंबर सिक्स से और सेवन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सारे ही क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे विथ सोल्यूशन आज के इस लेक्चर में देखेंगे तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन नंबर सेवन यानी कि आवकलन के अनुप्रयोग से कुछ क्वेश्चन देखेंगे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कुछ क्वेश्चन चैप्टर नंबर सेवन या समाकलन यानी कि इंटीग्रल से देखेंगे ठीक है दोनों ही चैप्टर अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इन सभी से क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं सो so, सबसे पहला क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर सिक्स से देखिए पूछा गया है बोल रहा है एक घन का आयतन एट सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है देखो इसका आयतन बढ़ रहा है ये बात आप पकड़ लेना इसकी उसके बाद बोल रहा है पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है ये हमसे पूछा गया जबकि इसके किनारों की लंबाई बारह सेंटीमीटर है ठीक है तो हमसे पूछा देखो सबसे पहले इस टाइप के जब भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आए ना तो आपको पकड़ना है कि इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखे हैं और निकालने को क्या बोला गया है ये दो चीज़ अगर आप पकड़ लेते हो तो आपसे क्वेश्चन डेफिनेटली सॉल्व हो ही जाएंगे ठीक तो देखो सबसे पहले हमसे बोल रहा है एक घन का आयतन आठ सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है आयतन क्या होता है देखो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखता हूँ घन का आयतन यहाँ पर लिखता हूँ मैं घन का आयतन देखो आयतन को हम लोग किससे दिखाते हैं आयतन बोले तो वॉल्यूम वॉल्यूम को किससे दिखाते हैं वी से दिखाते हैं अब बोल रहा है घन का आयतन आठ सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है जब कोई चीज बढ़ रही होती है या फिर घट रही होती है तो उसको हम लोग लिखेंगे जैसे आयतन घट रहा है डी वी अपॉन डी टी ठीक आयतन घट रहा है किसके रिस्पेक्ट में समय के कोई भी चीज घट रही होगी या बढ़ रही होगी वो किसके रिस्पेक्ट में घट 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 रही होगी या फिर बढ़ रही होगी वो टाइम के रिस्पेक्ट में घट रही होगी या फिर बढ़ रही होगी ठीक है ये बात आप समझ लेना जब भी किसी चीज में चेंज आता है तो वो टाइम के रिस्पेक्ट में ही आता है ठीक तो वॉल्यूम में चेंज आया किसके रिस्पेक्ट में टाइम के रिस्पेक्ट में तो हम लोग हम लोगों ने इसको लिखा डीवी अपॉन डी टी लिख दिया ठीक है और ये कितने यहां पे दर से बढ़ रहा है हमारे पास दे रखा एट सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से क्या हो रहा है बढ़ रहा है तो इतनी बात हम लोगों ने पकड़ ली और हमारे पास देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है जब इसके किनारों की लंबाई 12 सेंटीमीटर है किनारों की लंबाई को हम लोग स्मॉल ए से दिखाते हैं जो कि दे रखी है बारह सेंटीमीटर दे रखी है ठीक अब देखो हमसे पूछा क्या गया हमसे पूछा गया है पृष्ठ क्षेत्र किस दर से बढ़ रहा है ठीक है तो पृष्ठ क्षेत्र हमसे पूछा गया है तो सबसे पहले देखो हम क्या लगाएंगे सबसे पहले यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे घन का आयतन वाला देखो हम लोग लिखाएंगे घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है घन का आयतन सबसे पहले तो आयतन बोलेगा यानी कि वॉल्यूम तो घन का आयतन इसको स्मॉल वी से दिखाते हैं जो कि होता है ए क्यूब क्या होता है ए क्यूब घन का आयतन अगर आपको नहीं मालूम तो यही होता है हमसे पूछा गया है पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बड़े होगा यानी कि हमारे पास डी एस अपॉन डी टी सरफेस पूछा गया है किसके रिस्पेक्ट में टाइम के रिस्पेक्ट में यही हमसे पूछा गया है तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे घन का आयतन से वी इक्वल टू ए क्यूब कर दिया अब इसको हम लोग क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में देखो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप डेफिनेटली कोई भी क्वेश्चन आएंगे ईजिल कर ले जाएंगे तो

ए का जब करेंगे तो लिखेंगे da अपॉन dt कर देंगे ठीक तो ये हमने कर दिया अब हमारे पास देखो dv अपॉन dt दे रखा है dv अपॉन dt की वैल्यू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है ये हमारे पास क्वेश्चन में बोला गया था तो dv अपॉन dt की वैल्यू 8 लिखेंगे इक्वल टू 3a स्क्वायर da अपॉन dt हो गया ठीक अब अगर हम लोग यहाँ से डी ए अपॉन डी टी निकालना चाहें तो हमारे पास क्या आ जाएगा इस पूरी वैल्यू को थ्री ए स्क्वायर को हम लोग इधर भेजेंगे मल्टी इधर देखो मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो इधर डिवाइड में हो जाएगा तो एट अपॉन थ्री ए स्क्वायर ये हमारे पास डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू आ गई अब ये डी ए अपॉन डी टी हमने क्यों निकाला क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी जब हम लोग पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ पर हमारे पास घन का संपूर्ण क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे यहाँ पर लिखेंगे घन का संपूर्ण घन का संपूर्ण पृष्ठ पृष्ठ को हम लोग किससे दिखाते हैं एस से दिखाते हैं पृष्ठ बोले तो सरफेस इसीलिए हम लोग इसको एस से दिखाते हैं जिसकी वैल्यू होती है सिक्स ए स्क्वायर तो ये हमारे पास एस की वैल्यू घन के संपूर्ण पृष्ठ की वैल्यू क्या होती है एस इक्वल टू सिक्स ए स्क्वायर होती है अब हम लोग क्या करेंगे इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में टाइम के रिस्पेक्ट में तो हो जाएगा सबसे पहले एस का करोगे तो डी एस अपॉन डी टी हो जाएगा यही हमें निकालने को बोला गया उसके बाद देखो सिक्स ऐसे ही रहेगा ए स्क्वायर का करोगे टू क्या है मल्टीप्लाई में आएगा सिक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ट्वेल्व हो जाएगा तो ए स्क्वायर का किया तो ये ट्वेल्व ए हो गया उसके बाद जब ए का करेंगे तो डी ए अपॉन डी हो जाएगा शायद आप पकड़ पा रहे होंगे इस बात को मैंने क्या किया पहले ए स्क्वायर का किया तो टू क्या हो गया मल्टीप्लाई में आया मल्टीप्लाई में आया तो सिक्स से मल्टीप्लाई होकर के ट्वेल्व हो गया उसके बाद ए एज इट इज रहेगा हमने अब ए स्क्वायर का किया उसके बाद हमने क्या किया ए का किया तो डी ए अपॉन डी हो गया ठीक अब देखो हम करेंगे क्या यहाँ पर रखेंगे वैल्यू को ठीक कैसे वैल्यू रखेंगे लिखेंगे डी एस अपॉन डी देखो ये हम लोग निकाल क्या के रहे हैं पृष्ठ के क्षेत्रफल कितने दर से बढ़ रहा है ये हम लोग निकाल रहे हैं डी एस अपॉन डी निकाल ठीक तो इसको देखो लिखेंगे ट्वेल्व ए इन टू डीए अपॉन डीटी की वैल्यू हमने इसीलिए निकाल रखी थी क्योंकि इसमें हमें जरूरत पड़ने वाली थी तो डीए अपॉन डीटी की वैल्यू एट अपॉन थ्री ए स्क्वायर यहां पर रखेंगे तो एट अपॉन थ्री ए स्क्वायर तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले थ्री से आप ट्वेल्व uh, को कैंसिल करोगे तो फोर आएगा एक ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा आपका ठीक तो यहाँ से आपके पास बच्चे का क्या यहाँ से आप लिखोगे डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू यहाँ से आपके पास क्या हो गया सबसे पहले तो देखो आपके पास फोर आया फोर का मल्टीप्लाई एट से हुआ तो कितना हो गया थर्टी टू हो गया ठीक अपॉन में थ्री भी कट गया है एक स्क्वायर था ए एक ए से एक एक कैंसिल हो गया तो सिर्फ और सिर्फ ए बच गया आपके पास ठीक तो ये हमने निकाल लिया तो ये हमने निकाल लिया अब देखो आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा था अब मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ाऊँ आपको तो क्वेश्चन में बोल रहा था जब इसके किनारों की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो हमारे पास किनारों की लंबाई स्मॉल ए की वैल्यू क्या दे रखी है 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर दे रखी है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ए की वैल्यू रख देंगे तो डी एस अपॉन डी की वैल्यू निकालने के लिए हम ए की वैल्यू रखेंगे तो ये थर्टी ऐसे ही रहेगा ए की वैल्यू रखेंगे हम लोग कितनी ट्वेल्व रखेंगे तो इससे जब कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास डी एस अपॉन डी टी की वैल्यू क्या आएगी डी एस अपॉन डी टी की वैल्यू आ जाएगी एट अपॉन थ्री ये हमारे पास आ जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर देखो हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया था क्वेश्चन में फिर से लेकर चलूँ तो पूछा गया था पृष्ठ पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है तो हमारे पास ये हमारे पास पृष्ठ क्षेत्रफल इतने दर से बढ़ रहा है तो ये हमारे इस क्वेश्चन का हो जाएगा फाइनल आंसर अब चलते हैं इसी को इसी चैप्टर के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं सो so, स्टूडेंट ये देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला जा रहा है हवे के एक बुलबुले की त्रिज्या हमारे पास हाफ सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है यहाँ पे देखो त्रिज्या बढ़ रही है यानी कि इसका रेडियस क्या हो रहा है बढ़ रहा है जब कोई चीज़ बढ़ रही होती है घट रही होती है तो मैंने क्या बताया वो टाइम के रिस्पेक्ट में होता है ठीक है तो यहाँ पे हमारे पास बोल रहा है त्रिजा क्या हाफ सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ेगा हमारे पास बुलबुले का आयतन पूछा गया है ठीक है यानी कि वॉल्यूम पूछा गया है जबकि हमारे पास एक सेंटीमीटर है तो बेसिक सा क्वेश्चन है ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आओ पहले देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है और क्या निकालना है सबसे पहले तो बोल रहा है हवे का आवे के एक बुलबुले की त्रिज्या हमारे पास हाफ सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है तो हमारे पास त्रिज्या बढ़ रही है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसको लिखेंगे डी आर अपॉन डी टी को आर से दिखाते हैं अब यहाँ या, यहाँ पे ये क्या हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है बढ़ रहा है तो डी आर अपॉन डी टी हो जाएगा और कितना बढ़ रहा है हाफ सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से क्या हो रहा है ये बढ़ रहा है उसके बाद हमसे पूछा गया है बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा होगा यानी कि हमारे पास हमसे पूछा है डी वी अपॉन डी टी हम हमसे पूछा गया है और एक चीज और दे रखी है त्रिज्या हमारे पास दे रखी है यानी कि हमारे पास रेडियस वन सेंटीमीटर दे रखा है बस इतनी चीज़ हमें दे रखी है आओ अब हम लोग क्या करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब देखो यहाँ पे बोल रहे हैं हवे के एक बुलबुले बुलबुले का हम लोग क्या मान सकते हैं बुलबुला एक स्पेरकल गोले के शेप में मान सकते हैं ना तो यहाँ पे हमारे हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे हमसे पूछा गया है बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा होगा तो बुलबुले को हम लोग क्या मान सकते हैं एक गोला मान सकते हैं तो यहाँ पे गोला मान के हम लोग क्या करेंगे गोले का आयतन हमसे बुलबुले का आयतन पूछा गया है तो बुलबुले के आयतन के लिए थोड़ी कोई फॉर्मूला बनना है बुलबुले को हम लोग गोला मानेंगे तो गोले का आयतन वाला फॉर्मूला लगाएंगे आप लिखेंगे गोले का आयतन तो यहाँ से गोले का आयतन के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है गोले के आयतन को सबसे पहले तो कोई किसी भी चीज़ का आयतन है आयतन बोले तो वॉल्यूम वॉल्यूम को हम लोग वी से दिखाते हैं तो गोले का आयतन जिसको हम लोग वी से दिखाते हैं जो कि होता है फोर अपॉन थ्री पाई आर क्यूब अगर आपको नहीं मालूम बेसिक सा क्वेश्चन है आप टेंथ या नाइन्थ में भी नाइन्थ से ही पढ़ के आ रहे हैं ठीक है गोले का आयतन ये सारी चीज़ें आप पढ़ के आते हैं ठीक है तो अब हम लोगों ने गोले का आयतन फॉर्मूला लगाया फोर अपॉन थ्री पाई आर क्यूब ये हमारे पास होता है अब हम करेंगे क्या इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे dv वी अपॉन डी इक्वल टू हमारे पास देखो फोर अपॉन थ्री ये क्या है कॉन्सटेंट फोर अपॉन थ्री भी कांस्टेंट है पाई भी फिक्स पाई की भी फिक्स वैल्यू होती है तो पाई भी क्या है कांस्टेंट वैल्यू है ठीक तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं अब आर क्यूब का करेंगे तो सबसे पहले तो थ्री और पाई को भी लिख लो थ्री लिख दिया उसके बाद पाई लिख दिया अब आर क्यूब का किया तो थ्री मल्टीप्लाई में आ गया और आर स्क्वायर हो जाएगा उसके बाद जब हम लोग आर का करेंगे तो डी आर क्वान्टिटी हो जाएगा सिंपल इतना चीज़ हमने किया देखो आर क्यूब का किया तो थ्री मल्टीप्लाई में हुआ और आर आर में एक माइनस हुआ पावर में तो आर स्क्वायर हो गया उसके बाद हम जब आर का करेंगे तो डी आर अपॉन डी टी कर देंगे अब आप एक चीज़ देखोगे कि थ्री से थ्री यहाँ पे कैंसिल आउट हो जा रहा है और कोई चीज़ नहीं कैंसिल हो रही है तो यहाँ से लिखेंगे डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ से बच्चा फोर पाई आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी इतनी चीज़ें हमारे पास बची अब देखोगे कि आपके पास आर की भी वैल्यू दे रखी है आप आर की भी वैल्यू रख सकते हो यहाँ से और डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू भी क्वेश्चन में दे रखी है तो इसको भी आप रख सकते हो तो डी वी अपॉन डी टी आपका निकल जाएगा तो यहाँ से डी वी अपॉन डी टी देखो फोर पाई ये तो आपका कॉन्स्टेंट है आर स्क्वायर है आर की वैल्यू वन दे रखी है तो वन का स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू क्या दे रखी है हाफ सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से ये क्या हो रहा था बढ़ रहा था तो हम क्या करेंगे ये फोर से क्या करेंगे इसको टू से कैंसिल करेंगे टू से तो यहाँ से हमारे पास डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू कितना आ जाएगा टू से ये कैंसिल हुआ तो टू पाई और ये वन की बात करेंगे तो ये वन का स्क्वायर वन यानी कि हमारे पास ये टू पाई ही आएगा और यहाँ पे इसको हम लोग लिख देंगे सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड इतनी दर से क्या होगा ये बढ़ रहा होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा इस छोटे से प्यारे से क्वेश्चन का फाइनल आंसर सो स्टूडेंट अब हम लोग चलते हैं कुछ देखते हैं इंटीग्रेशन आपका जो चैप्टर नंबर सेवन है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं सो so स्टूडेंट ये रहा आपके चैप्टर नंबर सेवन यानी कि इंटीग्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका इससे तो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं इसमें कोई दौरा नहीं है सिर्फ इससे आपके ज्यादातर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं ठीक है थीकर? देखो आपको इंटीग्रेशन में एक क्वेश्चन दिया गया है क्या बोल रहा है इसका मान ज्ञात करो तो सिंपल है सबसे पहले तो इंटीग्रेशन में कोई भी क्वेश्चन दे आपको क्या करना है उसको आई के बराबर मान के चलना है तो आई इक्वल टू ये हमने पूरे फंक्शन को आई के बराबर मान लिया आई क्या होता है सर आई से इंटीग्रेशन होता है तो अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में देखो इसमें आपको करना क्या होगा सबसे पहले आप क्या करोगे इसको अलग अलग ब्रेक करोगे कैसे ब्रेक करेंगे सर देखिए i इक्वल टू लगाएंगे इंटीग्रेशन का साइन तो देखिए जैसे ही आपने इंटीग्रेशन का साइन लगाया अब आप क्या करेंगे इसको अलग अलग ब्रेक करेंगे तो अलग अलग कैसे ब्रेक करेंगे जैसे साइन क्यूब एक्स अपॉन में कर दीजिए साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कर दिया ठीक उसके बाद बीच में क्या है प्लस यहाँ पे डी एक्स कर दीजिए क्योंकि आप इसको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे ठीक तो डी एक्स कर दिया उसके बाद बीच में प्लस दे रखा है हमने प्लस लगा दिया फिर इंटीग्रेशन करके उसके बाद कॉस क्यूब एक्स के साथ इसको क्या करिए डिनोमिनेटर Denom, में इसको लिख दीजिए साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स उसके बाद डीएक्स कर दिया तो ये हमने क्या किया दोनों को अलग अलग करके ब्रेक कर दिया अब देखेंगे आप कि यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है और ऊपर साइन क्यूब एक्स है तो स्क्वायर से कट जाएगा आपका मतलब दो पावर क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स है और यहाँ पे स्कॉस क्यूब एक्स है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा एक तो उसके बाद यहाँ से हमारे पास आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे देखिए पावर दो ही कम हुई है ना एक पावर तो यहाँ पे बच्चे मतलब एक साइन एक्स बचेगा तो यहाँ से बचेगा साइन एक्स और अपॉन में क्या है अपॉन में आपके पास है कॉस स्क्वायर एक्स और यहां से डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर यहां पर भी एक क्या बचेगा कॉस एक्स बचेगा और अपॉन में है साइन स्क्वायर एक्स और डी हो जाएगा ठीक अब हम लोग क्या करेंगे अब यहाँ पे हम लोग इसको भी ब्रेक करेंगे ठीक कैसे ब्रेक करेंगे देखो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स ये तो सेम रहेगा देखो कॉस स्क्वायर एक्स है ना तो इसको हम लोग कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स में ब्रेक करेंगे जैसे कि लिखा कॉस एक्स एक तो साइन एक्स के अपॉन में कर दिया कॉस एक्स को इंटू एक वन अपॉन कॉस एक्स कर दिया अब जब आप इसको जोड़ोगे ना तो फिर से कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स आता है तो मैंने क्या किया सिर्फ और सिर्फ कॉस स्क्वायर एक्स को दो पार्ट में ब्रेक किया कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स में ठीक और यहाँ से डी एक्स कर दिया प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेम उसी तरीके से जैसे यहाँ पे कॉस को कॉस स्क्वायर को ब्रेक किया उसी तरीके से यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स को ब्रेक करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे कॉस एक्स अपॉन यहाँ लिखेंगे साइन एक्स और यहाँ पे क्या लिखेंगे वन अपॉन साइन एक्स वन अपॉन साइन एक्स और यहाँ से लिख दिया डी एक्स इतना कर दिया अब देखो हम लोग क्या करेंगे इसको यहाँ पे इसकी फॉर्मूले uh, के अकॉर्डिंग वैल्यू रखेंगे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है टेन एक्स होता है वन अपॉन कॉस एक्स क्या होता है सेक एक्स होता है तो यहाँ से लिखा सेक एक्स और डी एक्स कर दिया प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है कॉट एक्स होता है तो कॉट एक्स कर दिया वन अपॉन साइन एक्स क्या होता है कॉस कॉसिक एक्स होता है कॉसिक एक्स और यहाँ से डी एक्स कर दिया अब देखिए इनके फॉर्मूले होते हैं इनको हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे तो अब देखिए इसको इंटीग्रेट करने पे आएगा क्या आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन देखो इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स इंटू सिक एक्स डी एक्स का हमारे पास इंटीग्रेशन करते हो तो ये आता है sec एक्स ठीक प्लस उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स इंटू कॉसिक एक्स डी एक्स का जब करते हो इंटीग्रेशन तो क्या आता है माइनस कॉसिक एक्स आता है कॉसिक एक्स और जैसे इंटीग्रेशन का देखोगे साइन हट गया हमने इंटीग्रेशन कर लिया तो इंटीग्रेशन का जैसे ही साइन हटता है हम एक कॉन्स्टेंट लगाते हैं सी जिसको हम लोग ऑर्बिट्री कॉन्स्टेंट कहते हैं तो आई इक्वल टू यहाँ से आ गया हमारे पास सेक एक्स माइनस को बाहर लाइए तो ये हो जाएगा माइनस का कॉसिक x और प्लस का c एक ऑर्बिट्री कॉन्स्टेंट ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर सो स्टूडेंट आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सो so, स्टूडेंट ये रहा हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन में भी हमारे पास ये इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन है सबसे पहले तो i इक्वल टू आप इसको इंटीग्रेशन के मान लीजिए उसके बाद आप क्या करेंगे इसमें भी हमें इसका मान ज्ञात करने को बोल रहा था तो सबसे पहले देखिए करेंगे क्या आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया हमने अब देखिए हम लोग करेंगे क्या यहाँ से लिखेंगे ऊपर की वैल्यू सेम रहेगी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इसको सेम रखिए अपॉन वन प्लस साइन टू एक्स दे रखा है ना तो वन को सबसे पहले तो हम लोग क्या लिख सकते हैं वन को लिख सकते हैं क्या हम लोग वन को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की भी वैल्यू क्या होती है वन होती है तो वन के प्लेस पे हमने क्या कर दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कर दिया प्लस साइन टू एक्स है साइन टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है टू साइन एक्स इन कॉस एक्स ये होता है तो ये रख दिया हमने तो उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे डीएक्स कर देंगे क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना भी है हमें ठीक अब देखो यहाँ से हम लोग करेंगे क्या अब देखो यहाँ से हम लोग करेंगे क्या यहाँ से लिखेंगे आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ से लिखेंगे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अब आप देखोगे इसको मान लो ए इसको मान लो बी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी तो ये किसका फॉर्मूला बन, बन रहा है ये बन रहा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्योंकि आपने साइन को ए माना कॉस को बी माना तो साइन स्क्वायर एक्स यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी का यहाँ पे ये यह फॉर्मूला बन गया तो हमने क्या किया ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूले में इसको कन्वर्ट कर दिया और यहाँ से लिख दिया डी एक्स अब देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन ऐसे सिंपली ईजी नहीं हो जाएगा इसको हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो वैल्यू दे रखी है इसको हम लोग लेट करेंगे यहाँ पर लिखा माना यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे साइन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर छोड़ दीजिए जो होल स्क्वायर दे रखी है उसको छोड़कर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को आप क्या करिए टी मान लीजिए अब जिस फंक्शन को आप टी मानते हैं उसका करते हैं डिफ्रेंशिएशन तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स ठीक ये कर दिया उसके बाद यहाँ पर लिख दिया डी एक्स क्योंकि x के रिस्पेक्ट में किए हैं उसके बाद t का किया तो dt आ गया ठीक तो यहां से हमारे पास ये आ गया अब देखो हमारे पास इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक चीज आप देखोगे cos x माइनस साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और डीएक्स ये पूरी वैल्यू को आप यहां से देखो साइन एक्स देखो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स ये पूरी किसके बराबर आई है डी टी के बराबर तो इसको हम लोग लिख दिए डी टी अपॉन इसको हमने क्या माना है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हमने टी माना तो टी लिख दिया और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का क्या है होल स्क्वायर तो टी का स्क्वायर कर दिया ठीक इतना आपको समझ में आ गया अब देखिए हम लोग करेंगे क्या यहां से अब देखिए यहाँ से हम लोग करेंगे क्या यहाँ से हम लोग इसको लिखेंगे i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इसको हम लोग लिख सकते हैं वन पॉइंट टी स्क्वायर डी टी कर सकते हैं अब देखिए वन अपॉइंट एक्स का जब आ, आप क्या करते हैं वन अपॉइंट एक्स स्क्वायर का जब आप डिफर इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है माइनस का वन अपॉइंट एक्स आता है तो यहाँ पर वन अपॉइंट टी स्क्वायर का कर रहे हैं हम लोग टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ से देखिए इंटीग्रेशन करेंगे ना जब तो आएगा माइनस का वन अपॉइंट टी आएगा ठीक और उसके बाद प्लस का एक सी लगा देंगे जो कि एक कांस्टेंट होता है हमने क्या किया देखो जब भी आप वन अपॉइंट टी स्क्वायर का आप क्या करोगे इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा माइनस का वन अप टी आएगा तो ये हमने कर दिया अब आपको एक काम और करना है आपको टी की वैल्यू ले आकर के पुट कर देनी है टी के प्लेस पर तो टी की वैल्यू कहाँ से मिलेगी ये जो हमने लेट किया था उसी को हमें क्या करना है टी के प्लेस पर माइनस का वन अपॉइंट टी है ना तो वन अपॉइंट टी है तो टी के प्लेस पर वैल्यू रखिए टी की वैल्यू है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ये कर दिया और प्लस का सी लगा देंगे ये हमारे पास ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर सो स्टूडेंट इस, इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करते हैं आई होप कि इस वीडियो में जितने भी मैंने क्वेश्चन बताया आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है सीधे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ